स्वागत है आपका गीता की रसोई में। आज मैं आप लोगों के लिए मशरूम के साथ यम्मी से सूप की रेसिपी लेके आई हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसके लिए मैंने मशरूम्स लिए हैं, इनको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। इनको आप जब काटते हैं तो इसको ऊपर से जस्ट गीले कपड़े से वॉश करके जो ऊपर वो होती है स्किन थोड़ी ऐसे निकाल दीजिए। अगर इसको वॉश करेंगे तो इसमें बहुत सारा पानी आ जाता है, तो इसलिए बेटर होता है कि इसको गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ लीजिए और फिर ऊपर से स्किन इसकी निकाल दीजिए। और साथ में मैंने इसके प्याज लिया है। अच्छा, मैं यहाँ ऑलिव ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल हमारा गर्म हो गया है तो मैं यहाँ अनियंस ऐड कर रही हूँ। तो जैसे ही हमारा अनियन थोड़ा सॉटे हो जाए इसमें हम लोग अपना ये गार्लिक ऐड कर देंगे। और साथ ही साथ हम लोग अपने मशरूम्स इसमें डाल देंगे और इस स्टेज पे हम लोग थोड़ा इसमें बटर ऐड करेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। जैसे हमारी मशरूम और ये अनियन थोड़े कुक हो जाए तो इसमें से हम लोग थोड़ा सा ये अनियन और मशरूम्स निकाल लेंगे ऊपर से डेकोरेट करने के लिए। और इसमें हम थोड़ा पानी ऐड कर देंगे। मशरूम्स इतने डेलिकेट होते हैं, बड़ी जल्दी कुक हो जाते हैं, तो ये कि एक दो बॉयल में ये अच्छे से कुक हो जाएंगे। तो ये हमारी मशरूम अच्छे से टेंडर हो गई है। अभी हम लोग इसको थोड़ा ठंडा करके फिर हम लोग इसको ब्लेंड कर लेंगे। ये सूप हमारा अच्छे से ब्लेंड हो गया है, मैं इसमें डाल रही हूँ इसको। स्ट्रेन नहीं किया ताकि सारा फाइबर इसी में रहे, तो अगर आप चाहें तो इसको स्टेनर में डाल के स्टेन भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा चंकी सा ना, जब आते हैं ना मशरूम्स मुंह में तो बड़े अच्छे लगते हैं। तो और अभी हम लोग इसको सीजन करेंगे और साथ ही साथ एक बॉयल करेंगे इसको। पिंक सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और साथ में ये क्रश्ड ब्लैक पेपर इसमें जाएगी। बस इसको हमने इतना ही सीजन करना है। इसी के साथ ये इतना यमी सूप बनता है और स्पेशली विंटर्स में तो ये बहुत मज़े का लगता है। जब बहुत ठंड पड़ रही हो तो आप मशरूम सूप बनाइए, साथ में गार्लिक ब्रेड हो तो बस और क्या चाहिए। गर्म हुए मैं ये थोड़ी जो दूध की क्रीम होती है, जो मलाई आती है, वो इसमें थोड़ी फैट के ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है, फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं इसमें तो। और इसमें अगर आपको क्रीम नहीं डालनी तो थोड़ा सा अगर आप दूध भी डाल देंगे तो बड़ा अच्छा सा इसका टेक्सचर आ जाता है और बड़ा यम्मी लगता है ये। तो ये देखिए कितना अच्छा सा ये, मैंने इसी में थोड़ा सा दूध डाल दिया है, इसको हमने फेंट लिया है अच्छे से। अभी हम लोग इसको इसमें मिक्स कर देंगे। इसको डालते ही एकदम क्रीमी टेक्सचर आ जाता है। तो ये हमारा सूप बनके रेडी है, अभी हम लोग इसको सर्व करते हैं। देखा, झटपट से ये सूप तैयार हो गया। ये सबसे इजी और सिंपल सूप है मशरूम। इसमें कोई मशरूम्स और ये अनियंस बचाए थे, ये आप डाल दीजिए थोड़े ऊपर। तो ये जब मुंह में आते हैं तो ये भी बड़ा अच्छा सा इसका टेस्ट लगता है। तो ये हमारा झटपट से तैयार होने वाला सूप रेडी हो गया। देखिए कितना मज़ेदार है ये, इसका एकदम से देखिए कितना अच्छा सा टेक्सचर है। ये बहुत ही यमी सूप बना है। तो आप लोग बनाइए, एंजॉय कीजिए और मुझे फीडबैक दीजिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।